अगर आप भी जीरोधे एप्लीकेशन के थ्रू SIP की हो और अपने SIP को किसी कारण से पॉज या डिलीट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूं और आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं किस प्रकार से आप आसानी से अपने एक्टिव SIP को पॉज या डिलीट कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से जीरोधे एप्लीकेशन में SIP को डिलीट या पॉज करते हैं। तो जीरोधे एप्लीकेशन में अपने एक्टिव SIP को पॉज या डिलीट करना काफी आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में जीरोधे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और जैसे आप जीरोधे एप्लीकेशन के होम स्क्रीन में चले जाते हो तो सबसे पहले आपको नीचे में इन्वेस्टमेंट और उसके बाद ऊपर में SIP वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद सारे आपके एक्टिव SIP यहाँ पर शो होने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरे सारे एक्टिव SIP शो हो रहे हैं। तो यहाँ से एक SIP को सेलेक्ट कर लेते हैं और पॉज और डिलीट करके दिखाते हैं किस प्रकार से आसानी से अपने एक्टिव SIP को डिलीट या पॉज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पे एक SIP को सेलेक्ट कर लेते हैं। SIP सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा तो इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में ही पॉज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा तो अगर आप अपने SIP को पॉज करना चाहते हो तो नीचे में पॉज वाले ऑप्शन क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर यस वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपका SIP पॉज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा SIP जो है पॉज हो गया है। और अपने पॉज किए SIP को फिर से रिज्यूम करना चाहते हो, एक्टिव करना चाहते हो तो उस SIP को सेलेक्ट करना जिस SIP को पॉज किए हो और उसके बाद यहाँ पर आपको रिज्यूम वाले ऑप्शन क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे यस वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपका SIP फिर से एक्टिव हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार से अपने SIP को डिलीट करने के लिए SIP को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद 3 डॉट वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन शो होता है तो आपको डिलीट वाला ऑप्शन क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर यस वाले ऑप्शन क्लिक कर देना है। जैसे आप यस वाला ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपका SIP जो है डिलीट हो जाता है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से आसानी से अपने एक्टिव SIP को जीरोधे एप्लीकेशन में पॉज या डिलीट कर सकते हो। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ।